गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिएगा अब आपके पास है सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। क्या कहता है, ए से लेकर बी तक एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन ए से लेकर बी तक एफ टी डी टी इक्वल होगा। इसका ये मतलब है, अगर आपके पास लिमिट सेम हो और एफ सेम हो, सिर्फ वेरिएबल बदल रखा हो, एक्स की जगह पे टी आ जाए, थीटा आ जाए, जेड आ जाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि कहता है, जैसे 1 to 2 एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करो, चाहे टी स्क्वेयर का करो, चाहे जेड स्क्वेयर का करो, एक ही वैल्यू आएगी, एक ही आंसर आएगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी क्या कहता है यहाँ पर, आपने क्या कहता है, अगर ये लिमिट को आप चेंज कर देते हैं तो आपने नेगेटिव निशान लगाना पड़ेगा, नेगेटिव आ जाएगा आपका आंसर। इसका इंटीग्रेशन का नेगेटिव बनेगा अगर आप लिमिट चेंज कर देते हैं तो, लोअर लिमिट की जगह पे अपर लिमिट और अपर लिमिट की जगह पे लोअर लिमिट। तीसरा क्या कहता है, अगर ये कोई भी फंक्शन ए से लेकर बी तक, कोई भी पॉइंट सी ले लिया आपने, ए और बी के बीच में है, मान लीजिएगा सी यहाँ कहीं पर भी है, ए और सी, तो कहता है इसको हम दो इंटीग्रेशन के सम में ले सकते हैं। ए से लेकर सी तक लिमिट लगाएंगे पहले में, दूसरे में सी से लेकर बी तक, तो ये आपके पास फंक्शन वही रहेगा। तो ए से लेकर सी तक इंटीग्रेशन प्लस सी से लेकर बी तक इंटीग्रेशन, दोनों को ऐड करेंगे, सी की वैल्यू ए और बी के बीच में आनी चाहिए। ऐसे करके हम इसके कितने भी फैक्टर बना सकते हैं, 3 हिस्से में ऐड कर सकते हैं, 4, 5 कितने भी करो। उसके बाद क्या आता है, ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स कोई भी फंक्शन है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, ए से लेकर बी तक एक्स की जगह पे क्या रख देना है आपने, इन दोनों का सम माइनस एक्स रखेंगे। तो जहाँ कहीं पर भी एक्स है वहाँ पर इन दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स रख देंगे, इंटीग्रेशन सेम आएगा। यही प्रॉपर्टी आपकी जैसे 0 से लेकर a तक हो चाहे लिमिट, तो भी वही काम करेगी आपके पास, इन दोनों का सम फिर कितना आ जाएगा, a, तो x की जगह पे a माइनस x रख देंगे। छठी प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट माइनस a टू a हो, कोई भी फंक्शन है, यहाँ पर लिमिट का ध्यान देना, पहले वाले में a से लेकर b तक थी, अब यहाँ पर माइनस ए से ए, जैसे माइनस 1 to 1 आ गया, माइनस 5/2 to 5/2 आ गया, माइनस 5 to 5 आ गया, ये लिमिट होनी चाहिए। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो दो आंसर हो सकते हैं, या तो ये होगा या ये होगा। ये कब होगा, जब फंक्शन क्या हो, ओड हो, और ये कब होगा, जब फंक्शन क्या हो, इवन हो, ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स, एक नंबर में आता है, तीन सौ लेना, इसका आंसर 0 आता है। अब ओड और इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या कहता है, जिस एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से फंक्शन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। जैसे आपने ले लिया एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्र प्लस में 5 है, तो इस सारे फंक्शन के अंदर एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस एक्स का स्क्वेयर प्लस 5 वही वैल्यू आएगी, तो ये फंक्शन होगा इवन। ओड फंक्शन क्या कहता है, एक्स की जगह पे मान लीजिएगा एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स है, तो इसमें x जगह पे माइनस एक्स रखते हैं तो ये सारे का सारा नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब प्लस में माइनस एक्स, और माइनस का निशान आ जाएगा यहाँ से कॉमन, एक्स क्यूब प्लस एक्स, माइनस का साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो क्या हो गया, वही फंक्शन आ गया, लेकिन उस सारे के बाहर माइनस का निशान आ गया, तो ये फंक्शन ओड होगा, और लिमिट ये है तो ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन है 0 आएगा। उसके बाद जो 7th प्रॉपर्टी कहता है, 0 से लेकर 2a होना चाहिए लिमिट में, 0 से लेकर ये जो भी है अपर लिमिट वो 2a बनाएंगे। जैसे अगर ये पाई है तो 2a इजिकल टू पाई हो गया, तो a की वैल्यू पाई बाई 2 बनी जाएगी, ध्यान रखना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या कहता है, इसको हम करेंगे जैसे 0 से लेकर पाई तक है, तो क्या लिखेंगे, 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस में 0 से पाई x की जगह पे एफ ऑफ 2a माइनस x रख देंगे इसके अंदर। और जो 8th प्रॉपर्टी है कहता है, 0 से लेकर 2a एफ एक्स डी एक्स ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन भी या तो 0 होगा या ये होगा, ये ध्यान रखना। राइट हैंड साइड 6th प्रॉपर्टी में भी वही है, 8th में भी वही है, लेकिन यहाँ पर माइनस a टू a है, यहाँ पर 0 से 2a है, तो माइनस a टू a है, तो हमने देखा था फंक्शन ओड और इवन है, उसके हिसाब से ये वैल्यू आएंगी, लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा एफ ओ पे 2a माइनस x अगर माइनस एफ एक्स हो जाता है तो ये इंटीग्रेशन 0 आएगा, और अगर f ऑफ 2a माइनस x एफ एक्स के इक्वल हो जाता है तो इंटीग्रेशन ये आएगा। मतलब x की जगह पे 2a माइनस x रखने पर फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी आधी और 2 आ जाएगा बाहर। अगर x की जगह पे 2a माइनस x रखने पर पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाता है तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 0।
अब इस एक्सरसाइज 10.3 एक्सरसाइज का देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसके अंदर प्रॉपर्टी नंबर हम लगाएंगे 4। तो 4 प्रॉपर्टी क्या कहता है, x ही जगह पे लिख देंगे 4 का ऊंचाई 5 एक ही चीज़ है वो, इन दोनों का सम माइनस x, तो x की जगह पे रख देंगे इन दोनों का सम माइनस x, तो x की जगह पे इन दोनों का सम क्या होगा पाई बाई 2 माइनस x। तो जहाँ पर x था वहाँ पर आपने पाई बाई 2 माइनस x रख दिया, इस dx की जगह पे मत रखना, इसका मतलब तो ये है कि भी x के रिस्पेक्ट में काम चल रहा है। तो ये साइन पाई बाई 2 माइनस x कोस x आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस x कोस x कोस पाई बाई 2 माइनस x साइन x आ गया। तो ये आपके पास 1 है और ये आपके पास 2 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो i प्लस आई कितना आ गया 2i, तो इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 2i, राइट हैंड साइड में ये इंटीग्रेशन की लिमिट कॉमन है तो ये आ जाएगा कॉमन, ये अंदर अंदर वाला ऐड हो जाएगा और अंदर वाले को ऐड कर देते हैं तो ये इंटीग्रेशन और dx कॉमन है, तरीके से ये इंटीग्रेशन और dx कॉमन आ गया, अंदर वाले को ऐड कर देते हैं तो वही चीज़ ऊपर आ जाएगी, वही चीज़ नीचे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू 1 बच जाएगी, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 आ जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 है तो i की वैल्यू पाई बाई 4 आ जाएगी। देखिएगा उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके पास, सेकंड क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट करवाता हूँ। कहता है 0 टू 1 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, तो ध्यान रखना x की वैल्यू हम क्या मानेंगे, x की वैल्यू आपने टेन थीटा मान लेनी, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता तो x की वैल्यू साइन थीटा मान लेते, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होता तो x की वैल्यू कोसिकेन थीटा मान लेते, x की वैल्यू टेन थीटा है तो डी एक्स आपके पास सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा आ जाएगा, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू टेन थीटा डी एक्स सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस टेन स्क्वेयर, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा, सीकेंट से सीकेंट स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन आई है तो इसके अंदर फिर वही प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग ऑफ थीटा की जगह पे इन दोनों का सम माइनस में थीटा रख देंगे, तो थीटा की जगह पे इन दोनों का सम माइनस वन रख दिया, तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये टेन ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा है, अब टेन ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा का ये फॉर्मूला होता है अभी क्या, टेन ऑफ ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपोन में 1 प्लस टेन ए इंटू में टेन बी, ये फॉर्मूला लगाने के बाद टेन पाई बाई 4 कितना हो जाता है 1, तो ये वैल्यू रख देंगे भाई, टेन थीटा से टेन थीटा हो जाएगा कैंसिल, तो ये इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू सब आई चल रहा है लॉग ऑफ 2 अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, और ये इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 लॉग 2 माइनस में लॉग ऑफ 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा आपके पास। देखिए अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ पर लॉग m अपॉन में n क्या आ जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n और सारा का इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 इसका अलग इंटीग्रेशन होगा, माइनस में 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन थीटा इसका अलग आएगा, तो ये इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉग 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन है थीटा आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट माइनस, ये सारे का सारा इंटीग्रेशन हम क्या लेके चल रहे हैं आई, ये भी इंटीग्रेशन आई है, ये सारा का सारा आपके पास क्या है आई इज इक्वल टू ये सब आई है, तो इस इंटीग्रेशन की वापस वैल्यू क्या रख देंगे आई, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा वापस आई रख देंगे, ये आई इस साइड में चला आ जाएगा, आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू लॉग 2, इससे काटना मत भाई कभी काट दो, तो ये इंटीग्रेशन i आ जाएगा 2 आ जाएगा डिवाइड में पाई बाई 8 लॉग 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका जो छठा पार्ट है, जो सिक्स्थ पार्ट है, उसके अंदर भी सेम टू सेम है, क्या कहता है 0 टू 1 लॉग ऑफ x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे भाई,
तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, लेट x इक्वल टू साइन थीटा, तो dx कितना आ जाएगा, cos थीटा d थीटा। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन i ले लिया आपने, तो ये इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू जीरो है साइन थीटा जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू वन है साइन थीटा वन है, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू वन होता है, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ x, x का मतलब क्या है साइन थीटा, और dx कितना आ जाएगा cos थीटा d थीटा, अपोन में क्या है वन माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट, वन माइनस एक्स का मतलब है साइन स्क्वेयर थीटा, ये वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा का रूट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन आई आ जाएगा जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन थीटा डी थीटा। इसको आप अपने सोल्व करना है भाई, यहाँ पर फिर भाई प्रॉपर्टी लगाएंगे, साइन का क्या हो जाएगा कोस आई प्लस आई टू आई करेंगे, साइन इंटू में कोस आ जाएगा, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे, या एग्जांपल में देख लेना, अभी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। लोग साइन थीटा का आपके पास आगे भी आएगा उसमें करवा देंगे, या इसके अंदर आप पीछे देखोगे तो एग्जाम्पल में यू का यू मिल जाएगा, लोग साइन थीटा का क्वेश्चन आपके पास, वो क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को सोल्व करना है भाई, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो इसके अंदर पूछ लेना है। पांचवें एग्जांपल में आप देखेंगे जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स सेम टू सेम दे रखा है, जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स है, ये जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन थीटा डी थीटा एक ही चीज़ है। पांचवें एग्जांपल का आपके पास सेकंड पार्ट है, एग्जाम्पल फाइव और सेकेंड पार्ट उसका आप देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई, थैंक यू।